हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका और सिंपल सरल किचन में स्वागत है आप लोगों का। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ व्हिपिंग क्रीम बनाने की रेसिपी। इसे हम केक में और किसी भी तरीके के फ्रूट्स के साथ में मिक्स करके बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। तो चलिए आइए हम बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी आज दो तरीके से व्हिपिंग क्रीम बनाना। एक तो ये क्रीम से और ये जो दूसरा है ये पाउडर से। तो चलिए पहला अभी मैं बताती हूँ कि इसे कैसे बनाना है। ये मैंने वैल्यू स्टार का डेयरी फ्री व्हिप टॉपिंग का क्रीम लिया है। ये आपको किसी भी बेकरी की शॉप पर बहुत ही आराम से मिल जाएगा। और इसे यूज़ करने के लिए जब भी आप इसे मार्केट से ख़रीद करके लेकर के आएंगे, आप इसे फ्रीज़र में रखेंगे और यूज़ करने के एक दिन पहले हमें इसे फ्रीज़र में से निकाल करके फ्रिज में रखना पड़ेगा, जिससे कि इसके अंदर जो भी आइस जमी हुई हो वो पिघल जाए और स्मूथ क्रीम मिले। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बाउल में मैंने आइस डाल लिया है। व्हिपिंग क्रीम बनाने के लिए हमें क्रीम को बहुत ही अच्छे से ठंडा रखना ज़रूरी है। अगर ये अच्छे से ठंडा नहीं होगा तो इस क्रीम का बटर बन जाएगा। और ये जो क्रीम हमने इसमें जो ली है ये भी बहुत अच्छे से ठंडी होनी चाहिए। क्रीम मैंने कैन से बाहर निकाल लिया है और अभी इसे हम व्हिप करेंगे। तो इस तरीके का आप बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक वाला बीटर नहीं है तो इससे भी बनाया जा सकता है, बट इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। मैं इस क्रीम को इलेक्ट्रिक बीटर से बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये बीटर ले लिया है और अभी इसे हमें विस्क करना है। और ये हमारा क्रीम भी अच्छा चिल्ड ठंडा है। तो सबसे पहले इसे हम यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट मोड पर ही हम इसे स्लो मोशन में चलाएंगे। पहले एक आधे मिनट तक हम इसे फर्स्ट मोशन में ही चलाएंगे इस तरीके से। देख रहे हैं आप, ये धीरे धीरे क्रीम जो है गाढ़ी होती जा रही है। और अभी इसका हम मोड थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, ये इसकी स्पीड बढ़ गई है। और इसी तरीके से हमें इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक अच्छे से फेंटना है। 5 मिनट तक व्हिप करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसकी आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी में भी थोड़ा सा डबल हो गया है और काफ़ी फ्लफी भी हो गया है। मैं आपको इसको ड्रिप करके थोड़ा दिखाती हूँ। ये आप देख रहे हैं, इसे अभी हमें थोड़ा सा और व्हिप करना है। चलिए हम चेक कर लेते हैं इसे एक बार। तो जो क्रीम हमें केक बनाने के लिए चाहिए वो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी ड्रिप नहीं हो रही है। मैं इसे गिरा रही हूँ बट ये बिल्कुल भी ड्रिप नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि ये क्रीम बिल्कुल अच्छे से बन चुकी है। और एक बात मैं आपको और बता दूँ कि ये जो मैंने क्रीम ली थी इसमें पहले से ही शुगर थी, इसलिए मैंने इसमें शुगर नहीं डाला है। और जब भी आप मार्केट से इसे ख़रीदें तो पहले आप इसमें चेक कर लीजिए कि पहले से इसमें शुगर है या नहीं। और जो मैंने ये वाली जो क्रीम ली है इसके अंदर भी पहले से ही शुगर एडेड है, इसलिए इसमें भी कोई शुगर नहीं ऐड करनी है। फ्रेंड्स, अभी ये क्रीम बिल्कुल हमारी रेडी हो गई है केक में डालने के लिए। इसे आप किसी भी केक में एज अ फ्रॉस्टिंग यूज़ कर सकते हैं। और अभी इसे मैं निकाल लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो क्रीम है ये हमारी बनके तैयार हो गई है। और इसे आप फ्रिज में रखिएगा, फ्रीज़र में नहीं। और जब भी केक बनाने के बाद हमें आइसिंग की ज़रूरत पड़ेगी इसे हम फ्रिज में से निकाल करके ही आइसिंग इससे करेंगे। और अगर इसे पहले से ही बाहर के निकाल के रख देंगे तो ये मेल्ट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि अभी इसे हमें इस व्हिपिंग क्रीम को कैसे बनाना है। इसके पीछे भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। ये पाउडर्ड फॉर्म में आता है और इसे बनाने के लिए हमें 100 ml पानी लेना है और उसे फ्रिज में थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे। और उसके बाद फिर ये क्रीम जो है, ये पाउडर जो है, उस पानी में डाल करके अगर हम इस बीटर से भी करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। इसके लिए इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही आराम से आपका क्रीम 5 मिनट में बन करके तैयार हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स ये तो थी मेरी रेसिपी आपको क्रीम बताने की, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।